हेलो हाय सो आप अकेली हैं यहाँ पर हाँ ग्रेट मैं भी अकेला या तो बताइए एक्चुअली मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है तो आपको भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पसंद है जी यस मुझे भी बचपन से ही शौक है क्या हुआ आप बार बार वहाँ क्यों देख रही हैं क्या आपकी तरह खूबसूरत कोई और भी सहेली आने वाली है क्या नो 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 बस एक्सक्यूज मी या श्योर ओ बेबी सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो हमारे पास कोई चारा नहीं है अगर तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो ना तो हमें घर छोड़कर भागना ही पड़ेगा तुम ना फिल्में देखना कम करो अगर पकड़े गए ना तो हमारे पापा हम दोनों को मार के इसी समुद्र में हमारी लाश फेंक देंगे लेकिन वो कोई मंजूरी भी तो नहीं दे रहे ना शादी की तो कुछ तो करना पड़ेगा ना कुछ नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तुम्हारी आइसक्रीम पकड़ो जाओ यहाँ से अरे अकीरा 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 सुनो तो अकीरा अरे अकीरा सुनो तो यार अकीरा अकीरा कहाँ जा रही हो तारिका जी पता चला कुछ बहुत कुछ तो शुरू हो जाइए ये भी हैं क्या भाई साहब हम भी तो हैं अच्छा तो आप शुरू हो जाइए मैं भी शुरू हो जाऊं जी प्लीज है ना गुड तो देखो ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस लड़की का गला घोट करके इसे मारा गया इसके गले पर निशान देख करके पता लगा होगा ना तुमने हाँ डॉक्टर साहब इसकी मौत गला दबाने से ही हुई है ना हाँ हाँ इसकी मौत गला दबाने की वजह से ही हुई है और गला किसी बेल्ट से दबाया गया ये कैसे पता चला देखो इसके गले पर ये जो निशान है ये एक तो ऐसे है चौड़े और गौर से देखो कहीं कहीं पर गहरा है और कहीं कहीं पर हल्का है और अगर किसी रस्सी वगैरह से दबाया होता तो ये निशान इतने चौड़े नहीं होते बेल्ट की तरह और पूरी गर्दन पर एक जैसे होते कहीं यूं हल्के और गहरे नहीं एक्सलेंट कितने इंटेलिजेंट है आप लोग सालुंखे साहब अगले जन्म में मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनूंगा अरे यार प्रेडी तू अगले जन्म की बात क्यों कर रहा है यार इस जन्म को तो संभाल ले यार अगले जन्म की यार वो क्या यार क्या क्या कह रहा था यार मैं यार अरे आप वो गला बेल्ट बेल्ट गला हाँ बेल्ट बेल्ट देखो बेल्ट से ऐसे गला दबाया ठीक है और बाद में किसी ने पीछे से इसके सर पे बहुत जोर से किसी भारी सी चीज से वार किया सालुंखे साहब अगर खूनी ने इसका गला घोटा तो फिर पीछे से सर पे वार क्यों किया अरे यार खूनी नहीं चाहता होगा कि किसी भी तरीके से ये लड़की जिंदा बचे मौत कब रात को 12 से 2 के बीच हाँ 12 से 2 रात ये लड़की कर क्या रही होगी सर किसी कॉल सेंटर में काम कर रही होगी नाइट शिफ्ट में वैसे भी इसकी आइडेंटिटी कहाँ पता चली हमें नहीं नहीं ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़की कॉल सेंटर से आ रही थी इसके कपड़े देखकर तो लगता है कि शायद किसी पार्टी वगैरह से आ रही थी और घर लौटते बिल्कुल बिल्कुल तारिका एकदम ठीक कर रही है ये किसी पार्टी में ही गई होगी क्योंकि इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी मैक्सिकन खाना हाँ,
ये देखो, ये हमने टेस्ट किया और इससे ये पता चला कि वो जो फूड था वो मैक्सिकन फूड था। क्या क्या खाया होगा इसने खाने में? एवोकाडो, टमाटर, प्याज, चिप्स और इसने शायद टॉर्टिया भी खाया था, क्योंकि हमें वेजिटेबल ऑयल और कॉर्न के भी अंश मिले। और एक सबसे बड़ी चीज, इसके खाने में हमें नाइट्रोजन के ट्रेसेस भी मिले। कमाल है, खाने में नाइट्रोजन। आप रेडी? आजकल ट्रेंड चल पड़ा है ऐसा, सब लोग ऐसा ही साइंटिफिक खाना खाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह का। हाँ, तो इसने किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया है जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से मैक्सिकन फूड बनाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे रेस्टोरेंट शहर में ज्यादा तो होंगे नहीं। लगता है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। पहले आप ये बताइए कि ये लड़की कल आपके यहाँ मैक्सिकन खाना खाने आई थी क्या? आखिर आप लोग हैं कौन? CID। अब और कोई सवाल नहीं, सिर्फ फटाफट जवाब। हाँ सर, ये कल रात को आई थी यहाँ पर, लेकिन CID से क्यों ढूंढ रही है? हम इसे नहीं ढूंढ रहे हैं, इसके खूनी को ढूंढ रहे हैं। खूनी क्या बेचारी का? एक बात बताओ, ये लड़की अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? सर आई तो अकेले थी, लेकिन इसकी बात कई लोगों से हुई। अकेली आई थी तो बहुत से लोगों से बात कैसे हुई? दरअसल हमारे रेस्टोरेंट में कल स्पीड डेटिंग नाइट थी। स्पीड डेटिंग? स्पीड से कार और बाइक चलाना तो सुना था सर, ये स्पीड डेटिंग ये कौन सी सीढ़ी है? सर स्पीड डेटिंग आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली लड़के लड़कियों को मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सकें। वो मैट्रिमोनियल सर्विस जैसा है क्या? हाँ सर, लगभग वैसा ही, लेकिन फोकस शादी पर ना होकर डेटिंग पर होता है, ताकि लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर सकें और उन्हें जो पसंद है उसके साथ बात आगे बढ़ा सकें। मतलब कोई भी किसी को भी मिल सकता है, किसी के साथ भी बात कर सकता है इस स्पीड डेटिंग मेले में? जी सर, हर लड़की अलग अलग टेबल पर बैठी होती है और लड़के के पास 5 मिनट का वक्त होता है उससे जाकर बात करने के लिए। लड़की बातचीत के आधार पर अपने लिस्ट में से 10 में से मार्क्स देती है लड़के को और फिर डेटिंग एजेंसी इन्हीं मार्क्स के आधार पर लड़के लड़की की जोड़ी बना देती है। कितने लोग आए थे इस स्पीड डेटिंग मेला में? सर 10 लड़के और 10 लड़कियां थे, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था सर। इस लड़की के साथ साथ और भी जितने लोग इस तुम्हारे इस स्पीड डेटिंग मेला में आए थे सबके डिटेल चाहिए हमें। राइट सर, आइए। सर ये रही इन मैडम की डिटेल्स। मिस माला बिरमानी, एड्रेस है A/231B, यू कैलिप 1111, फोन नंबर 6528111991। इन सबकी सारी डिटेल चाहिए हमें। अच्छा, उसने कल रात मैक्सिकन खाने के साथ कॉफी भी पी थी क्या? नो सर, कॉफी तो मिलती ही नहीं है हमारे रेस्टोरेंट में। आपके इस रेस्टोरेंट में कॉफी मिलती ही नहीं? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप इसका जरा प्रिंट आउट लेकर आइए। श्योर सर। हो सकता है ये माला यहाँ पे किसी लड़के के साथ बाहर गई हो कॉफी पीने के लिए, खाना खाने के बाद, और तभी उसका खून हो गया। क्या, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना बड़ा झूठ, उस लड़की का नाम गलत है, उस लड़की का एड्रेस भी गलत है, समझ में नहीं आता। अगर जीवन साथी ढूंढना है तो फॉर्म में गलत डिटेल्स क्यों भर दिए? शायद वो लड़की फ्रॉड हो। जो भी है उसकी पहचान तो जरूरी है। लाश के पास ना मोबाइल मिला ना पर्स, तो इस लड़की को मरे 48 घंटे हो गए हैं।
उसके घर वालों ने या जान पहचान वालों ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। पूरी चेक करिए सर, पता चल जाएगा। गोरेगांव पुलिस स्टेशन, माला नाम की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? अच्छा, ग्रेट, थैंक्स। आप मुझे कंप्लेन की कॉपी भेज सकते हैं? और हाँ, प्लीज आप उनके परिवार से कुछ मत कहिए। सर, हाँ। सर, इस लड़की का असली नाम मालिनी है और मरोल इलाके में इसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई। और मिसिंग कंप्लेन उसके पति और सास ससुर ने दी है सर? क्या एक शादीशुदा औरत और स्पीड डेटिंग में? वही तो, और वो भी किसी नकली नाम से। जी CID। ये देखिए सर, शादी की इतनी बड़ी फोटो लगी है यहाँ पे, फिर भी मालिनी, अगर मैं ऐसा करता ना तो मेरी वाइफ मेरा बैंड बजा देती। सर, कुछ पता चला मालिनी कहाँ है? I'm sorry, लेकिन बड़ी बुरी खबर है। बुरी खबर? मतलब मालिनी का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है? किसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया है। हाँ? खून? मगर किसने किया सर? देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप लोगों को और धक्का लगे। स्पीड डेटिंग? ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लड़के लड़कियां मिलते हैं अपना जीवन साथी चुनने के लिए, और मौत वाली रात मालिनी ऐसे एक प्रोग्राम में गई थी। हे भगवान, मेरा बेटा होते हुए वो दूसरा जीवन साथी चुनने चली गई? बस यही एक करना बाकी था, खानदान की नाक कटवा दी उसने। सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। हम दोनों की शादी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, फिर उसे क्या जरूरत थी नए जीवन साथी की? अफसोस, इस सवाल का जवाब देने के लिए मालिनी तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए इसका जवाब तो अब आपको ही देना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, भीरवानी के रहने वाले, कुछ दिनों पहले ही इस शहर में रहने आए। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? सर, अरेंज मैरिज थी। पिछले साल ही मालिनी की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। कोई झगड़े वगड़े? नहीं सर, ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं थी, इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ कि वो स्पीड डेटिंग पर क्यों गई। खैर, आप ये बताइए कि जिस रात मालिनी का खून हुआ आप कहाँ पे थे? सर, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। मेरे ऑफिस में काफी काम था उस दिन, काफी देर तक काम कर रहा था मैं। कितनी देर रात तक? यही कोई रात के 1:30 बजे तक। मुझे तो घर आने पर पता चला कि मालिनी घर वापस नहीं लौटी है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मुझे तो लगता है कि उसके गहने लूटने के चक्कर में किसी ने। नहीं, गहने लूटने के लिए खून नहीं हुआ, क्योंकि उसके डायमंड रिंग और महंगी घड़ी सब कुछ इंटैक्ट थे। फिर उसे किसी स्पीड डेटिंग वाले ने ही मारा होगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़की ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? वो है ना, उसके घर में पाँव ही नहीं टिकते थे। उसके पाँव में जैसे वो क्या बोलते हैं, व्हील थे, व्हील। पूरा पूरा दिन है ना घर के बाहर ही घूमते रहती थी और किसी भी अनजान इंसान से बात करती थी, और हम उसको कुछ कहने जाते थे ना तो टेढ़े जवाब देती थी वो हमको। बस करो माँ। अरे बस क्या करूँ, मुझे बोलने देना। और वो जब भी घर में रहती थी ना सर, तो घर का एक काम भी नहीं करती थी वो। पूरा पूरा दिन वो उसके लैपटॉप और कैमरा में घुसी पड़ी रहती थी। लैपटॉप और कैमरा, हम वो देख सकते हैं? सर, ये रहा लैपटॉप। और वो कैमरा कहाँ? कैमरा? सर, मुझे नहीं लगता मालिनी सोहन को धोखा दे रही थी, कुछ और ही मकसद था उसका वहां जाने का। मकसद क्या है वो तो एक लैपटॉप और कैमरे से पता चल ही जाएगा। सर, कैमरा कहाँ है? बैग तो खाली है।
सर वो तो कैमरा इसी में रखती थी, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं ऐसा तो नहीं कि मालिनी के पर्स और मोबाइल के साथ सोनी एक कैमरा भी ले उड़ा। सर ये स्पीड डेटिंग का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ सर, इनमें से कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये सावधानी उन इवेंट मैनेजर्स को और जवानों को बरतनी चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा हाँ, सोहन का झूठ पकड़ा गया सर। इसने हमसे कहा था कि परसों रात ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था रात 1:30 बजे तक। उसके मोबाइल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो ऑफिस है अंधेरी में और ये भाई साहब बैंड्रा में थे 11:30 से 12:30 के बीच, उसी रेस्टोरेंट के पास जहाँ पे मालिनी गई थी स्पीड डेटिंग के लिए। बुलाओ इस सोहन को। सर आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? अगर नहीं मारा तो झूठ क्यों बोला? रात 1:30 बजे तक ऑफिस में था, क्यों? सर मैं सच तो यह है कि तुमने मालिनी को उस रेस्टोरेंट में देख लिया था उन लड़कों के साथ बात करते हुए। तुम गुस्से में पागल हो गए और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आधा सच है और आधा गलत है। हाँ मैं उस दिन रेस्टोरेंट में गया था, मैंने मालिनी को वहां देखा भी था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। और आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि आप लोगों का शक मुझ पर ना हो। तुमने मालिनी को नहीं मारा है ना? चलो सोन, चलो एक मिनट के लिए मान लेते कि तुम सच बोल रहे हो कि तुमने मालिनी का खून नहीं किया। लेकिन एक बात समझाओ हमें, ये बताओ कि तुम्हें पहले से मालूम कैसे था कि मालिनी उस रात बैंड्रा वाले रेस्टोरेंट में स्पीड डेटिंग के इवेंट में जाने वाली है। सर मालिनी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही थी, दिन देखती थी ना रात, जब मर्जी हुई घर से बाहर चली जाती थी। जब मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाही तो वो उल्टे जवाब देने लगी। फिर उस रात मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि वो बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट में बैठी। अपनी बीवी को स्पीड डेटिंग में देखकर मेरा दिल टूट गया सर। मुझे लगा कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मगर मैंने वहां उसके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं समझा। और जैसे ही वो बाहर आई, इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता वो ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरा इरादा उससे सिर्फ बात करने का था, उसे जान से मारने का नहीं था। अफसोस कि मैं मालिनी से बात भी नहीं कर पाया, अभी राज हमेशा राज बनकर रह जाएगा कि उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। उसने तुमसे बेवफाई क्यों की? चलो इस बार हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हमारा तुम पर शक नहीं है। वो तो तब तक रहेगा जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होते, समझे? सो सर अगर ये नहीं है तो फिर
ट्रक के अगले दायरे में वो लड़के आए थे जिनसे मालिनी ने उस रात बात की थी। पूर्वी, कुछ पता चला? सर, उस रात मालिनी 6 लोगों से बात करी थी। सुनील, आरजे, हिमान, गौरव, मयंक और प्रतीश। काम करते हैं, 6 के 6 लोगों को उस रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। खूनी जरूर इन्हीं लोगों में से कोई है। सर, ये केस प्लीज जरा जल्दी खत्म करिए ना, हमारे रेस्टोरेंट का नाम बहुत खराब हो रहा है। एक मासूम लड़की का खून हुआ है, हैं? और तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के नाम की पड़ी है। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, थोड़ा बहुत समाज के बारे में भी सोचा करो भाई, हैं? सर, सर, सभी लोगों को आधे आधे घंटे के गैप में बुलाया। ठीक है, गुड। एक बात ध्यान रखो, जब ये इवेंट चल रहा था तब तुम यहीं पर थे ना? जी सर। तो अगर इनमें से किसी ने भी हमारे साथ झूठ बोला या कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुरंत मुझे बता देना, ठीक है? सर, लड़की खूबसूरत थी मगर उतनी ही बोरिंग भी। उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से एक बाउंसर की तरह चली। सर, उसने मुझसे तो ज्यादा बात की ही नहीं, या तो वो मुझसे शर्मा रही थी या फिर उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर, वो मेरे साथ थी भी और नहीं भी। थी भी और नहीं भी मतलब? एक्चुअली सर, वो बात तो मुझसे कर रही थी मगर उसका ध्यान कहीं और था, बार बार किसी और को देख रही थी वो। सर, मुझे लगता है कि वो अपना और हम सभी का टाइम वेस्ट कर रही थी, उसे जीवन साथी चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। और तो और सर, उसका ध्यान कहीं और ही था। सर, मुझे तो वो बहुत पसंद आई थी मगर शायद उसे मैं नहीं पसंद आया, उसे तो वो दूसरा लड़का पसंद आया था जिससे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। कौन लड़का? गौरव। हाँ सर, हमारी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी सेट हो गई थी, इनफैक्ट हमने बहुत सारी बातें भी करी। क्या क्या बातें हुई थी मालिनी के साथ? जनरल बातें सर, फेवरेट हॉबीज, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट कला वगैरह। इनफैक्ट बीच में उतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि उसने अपना जूसी मुझ पे गिरा दिया। तो फिर मीटिंग के बाद नंबर वंबर एक्सचेंज हुए होंगे? नहीं सर, नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा था कि इवेंट के बाद वो मुझे आधे घंटे में कॉफी शॉप पे मिलेगी। इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी। तो मतलब गौरव, तुम उसे कॉफी पे मिले इवेंट के बाद? कहा सर, 2 घंटे वेट किया कॉफी शॉप पे और वो आई नहीं। सच कह रहे हो? सर, झूठ क्यों कहूंगा मैं। चलो ठीक है, हमें भी वो कॉफी पिलाओगे? श्योर सर, चलते कभी। कभी क्यों, कभी चले। बोलिए सर, कौन सी कॉफी लेंगे? वैसे यहाँ की कोल्ड कॉफी विद वैनिला आइसक्रीम बहुत फेमस है, आपको हो तो वही ऑर्डर करूँ। मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। और कॉफी वॉफी होती रहेगी, पहले आप ये बताओ, ये आप उस दिन कहाँ बैठे, कहाँ थे? ओ सर, मुझे लगा हम लोग कॉफी पीने आए, और आप तो अभी भी अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं। तहकीकात के बाद कॉफी पीने का जो मजा है वो कुछ और ही है। हेलो सर, परसों रात का CCTV फुटेज देखना है मैनेजर साहब। सॉरी, लेकिन CCTV कैमरा तो 1 महीने से आउट ऑफ वर्किंग है। बनवाया नहीं आपने? सर, बिजनेस बिल्कुल जीरो है, कैफे ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है, मैंने सोचा इस सिचुएशन में क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना, खर्चा बढ़ाना। अच्छा, जरा ये फोटो देखिए, ये लड़की आई थी क्या परसों रात? सर एग्जैक्टली इतना याद तो नहीं आ रहा है, अब कैफे में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं फिर भी कैफे नुकसान में। अब अच्छा, इनका परसों का बिल तो होगा ना, जरा दिखाएंगे? जी सर। सर ये रहा बिल, 27 जुलाई को रात के 11:40 का है, 1 mocha coffee and 1 cappuccino coffee। तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले थे, फिर ये 2 coffee कैसे? सर, मैंने तो उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर ली थी, वो नहीं आई तो मैं क्या करता, मैंने काफी टाइम उसका इंतजार भी किया। सर, अब तो पीजिए मेरे साथ कॉफी। पियेंगे, जरूर पियेंगे, लेकिन केस खत्म होने के बाद। ठीक है सर, तो मैं चलूं प्लीज? आप जा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम सर. इस केस ने मेरे दिमाग के कलपुर्जे हिला के रख दिए. अगर मालिनी ने यहाँ पे कॉफी नहीं पी तो फिर कहाँ पे पी? कहीं गौरव ने तो नहीं मार दिया मालिनी को? उसने मालिनी को कॉफी शॉप में बुलाया कॉफी पीने के लिए. वो आई नहीं, उसका दिल टूट गया, मार दिया उसे. कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, इस केस में कुछ भी हो सकता है. पति भी मार सकता है, उन लड़कों में से कोई हो सकता है, या कोई तीसरी पार्टी. याद है उसका कैमरा गायब है, कोई ऐसा जिसे उस कैमरे में किसी फोटो से प्रॉब्लम हो. अगर मालिनी का कैमरा गायब है तो जरूर मालिनी उस कैमरा में से ऐसे फोटो खींचे होंगे कि किसी ना किसी की तो रात की नींद हराम हुई होगी. सर, कैमरे से फोटो खींचने के बाद ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं. वैसे तो सर लैपटॉप पे तो कोई फोटोज नहीं. तो हो सकता है उसने इंटरनेट पे कहीं सेव की हो, अपने ईमेल अकाउंट में या फिर किसी पर्सनल वेबसाइट में. मतलब सर आजकल कैमरा से डायरेक्ट फोटो ऑनलाइन सेव हो जाती है? हाँ फ्रेडी, हो सकता है इंटरनेट के जरिए. ग्रेट सर. हाँ सर, फोटोज वाली वेबसाइट और उसका पासवर्ड मिल गया. ये देखिए. वेरी, चलो दिखाओ. तो सर इस कैमरे से वीडियो फुटेज बनाई गई ठीक उसके मरने से पहले. इस फुटेज की वजह से तो नहीं मालिनी का खून हो गया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लगता है ये मालिनी किसी की जासूसी कर रही थी, किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसीलिए इसका खून हो गया. इस मालिनी के बारे में हम लोग अभी तक तय तक पहुंच नहीं पाए सर. अभी तक लग रहा था कि वो स्पीड डेटिंग के लिए गई है, फिर पता चलता है कि वो शादीशुदा है, मेडिकल प्रोफेशनल है, और अब मालूम पड़ता है कि वो किसी की जासूसी कर रही थी. और ये जासूसी मेडिकल फील्ड से ही कनेक्टेड होगी, क्योंकि फुटेज में देखो ना, मेडिसिन के डब्बे ही डब्बे हैं. सर वो फुटेज के बीच में एक जगह जो परछाई दिखाई दी थी ना, उन्हीं की हो सकती है. चेक करते हैं फिर से. कुछ डब्बों पे जो डेट है वो तो एक्सपायर हो चुकी है. दवाइयों के साथ साथ एसीटोन भी रखा हुआ है. एसीटोन? सर इस केमिकल से तो ये लोग दवाइयों के ऊपर के ये पुरानी एक्सपायरी डेट मिटा के नई डेट डाल सकते हैं और फिर उन्हें बाजार में उतार सकते हैं बेचने के लिए. चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? यही काम करने के लिए मालिनी गई थी वहां पर. हाँ सर, इस खूनी ने मालिनी का कैमरा तो चुरा लिया, पर उसे ये पता नहीं था कि मरने से पहले मालिनी ने ये पूरा फुटेज वेबसाइट पे डाल दी थी. सर आप लोगों को किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से. सर ये तो हमारी कंपनी के दवाई के डब्बे हैं. वो तो हमें भी दिख रहा है, पर चल क्या रहा है यहाँ पे गोडाउन में? पुरानी दवाइयों को नया बनाने का धंधा चल रहा है? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है. अच्छा, ये तुम्हारा गोडाउन नहीं है? सर ये तो हमारी कंपनी का गोडाउन भी नहीं है. इनफैक्ट हमारी कंपनी का गोडाउन इस बिल्डिंग के बेसमेंट पर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. जरूर सर, हमारे कंपनी के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है. ये आपके कंपनी में जो पुरानी दवाइयाँ, उसके साथ क्या करते हैं? सर एक कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है हमारी कंपनी के सारी पुरानी दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने का. हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं. जस्ट वन मिनट.
सर ये देखिए हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड में मेंशन है। तो इनके पास तुम्हारी कंपनी के नई दवाइयों के डिब्बे कहाँ से आ गए? ये पूरी धांधलीबाजी पुरानी दवाइयों को नष्ट करने वाली कंपनी में हो रही है। कंपनी का नाम है BTI मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी में किससे बातचीत होती है आप लोगों की? सर मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? ये गौरव कुमार? सर यही मिस्टर गौरव कुमार है। जी सर यही है। तो आपके पास इनकी फोटो कैसे आई? बहुत बड़े फैन है इसके। दरवाजे के सारे लॉक चेंज हुए या नहीं? जी सर ये लीजिए। जल्दी सब लोग काम पे लगो, बहुत काम पेंडिंग रखा हुआ है। गो। क्या बात है गौरव, बड़े गुस्से में लग रहे हो? सर आप लोग क्या मुझे बुला लिया होता? सोचा बार बार तुम्हें क्यों तकलीफ दें, हम ही चल पड़ते हैं। सर इस बार आप लोग कॉफी पी बिना नहीं जा सकते। अच्छा कभी जेल की कॉफी पी है? जेल की कॉफी? हाँ आदत डाल लो, क्योंकि तो बाकी की जिंदगी वहीं गुजरने वाली है तुम्हारी। सर आप लोग अभी भी मुझ पे शक कर रहे? शक नहीं करे तो क्या करें? पिक्लैक्सी कंपनी की पुरानी दवाइयों को नया करने का बिजनेस जो कर रहे हो तुम। क्या कर रहे सर आप लोग? तुम्हारी कंपनी का गोडाउन देखना है मैं। चलो दिखाऊं। सर मेरी कंपनी की गोडाउन की चाबी गुम हो गई थी, आप देखिए अभी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। आपको चाहिए तो मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए। चाबी खो गई? हाँ सर। ऐसे कैसे खो गई? हां नहीं सर, एक्चुअली उस दिन जब मैं स्पीड डेटिंग के लिए गया था उस वक्त चाबी मेरे पास थी। गायब हो गई? जब तुम स्पीड डेटिंग के लिए गए थे तो गोडाउन की चाबी अपने साथ लेके गए थे? एक्चुअली सर ये चाबी हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि चाबी ऐसे गुम हो गई। माली ने तो चाबी नहीं चुरा ली वहां पे, तो वहां से निकल के सीधे यहाँ गोडाउन आ गई शूट करने के लिए। गौरव तुम कह रहे थे कि मालिनी ने तुम्हारे ऊपर जूस गिरा दिया था, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एक्चुअली उस रात हाय हाय तो इससे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है? गर्लफ्रेंड तो थी, खुशी नाम था। अच्छा तो फिर बात क्यों नहीं बनी? वेल उसे कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, जब भी रोती थी सब कहते थे ये तो खुशी के आंसू है। अरे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो ओप्स, आई एम सॉरी, आप आपकी शर्ट, इट्स ओके, गलती मेरी है। फिर मैं वॉशरूम चला गया, शायद चाबी उसी वक्त गायब हुई है। मालिनी ने मेरी चाबी चुराई? हाँ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किया उसने यहाँ के, इसलिए तुमने उसे मार दिया। सर ये सब झूठ है सर, उस दिन रेस्टोरेंट के बाद तो मैं उससे कभी मिला भी नहीं। चलो वो गोडाउन दिखाओ जिसकी चाबी गुम हो गई थी, अभी तो नई चाबी आ गई ना। चलो सर ये तो वही जगह जिसकी फुटेज मालिनी ने शूट की थी। तो यहां पे पुरानी दवाइयों को नया बनाया जा रहा है। हाँ वाह, तो मिस्टर गौरव इस तरह से पुरानी दवाइयों को नष्ट कर रहे थे आप? लोग तुम लोगों पे भरोसा करके दवाइयां खरीदते थे और तुम लोग उनको जहर बेच रहे हो, जहर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ना ही मैंने ऐसा कोई दवाइयों का धंधा किया है, ना ही मैंने मालिनी को मारा है। झूठ बोल रहे हो तुम, उस रात मालिनी रेस्टोरेंट से तुम्हारा कार्ड चुरा कर यहाँ आई। उसने यहाँ पे ये फुटेज शूट की।
उसके बाद वो किसी कॉफी शॉप में गई इंटरनेट के लिए ताकि वो फोटो अपलोड कर सके। एक्सक्यूज मी, वाईफाई पासवर्ड? या थैंक यू। और जब वो कॉफी शॉप से बाहर निकली तुमने उसका पीछा किया और जैसे ही मौका मिला तुमने उसे मार दिया और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया, क्यों? सर उस रात तो मैं गोदाम में आया भी नहीं था। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? चाहिए तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। उस फुटेज में एक परछाई दिखाई पड़ी थी, कौन था वो? सर मुझे क्या पता वो कौन था। अच्छा अभी पता चल जाएगा, चलो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे साहब ये परसों रात को यहाँ पे आए थे? नहीं सर, ये साहब तो नहीं आए थे उस रात को। अच्छा, ये औरत ये आई थी? अरे मैडम कौन हो आप और यहाँ पे इतनी देर को क्या कर रही हो आप? भैया मैं गलत एड्रेस पे आ गई, सॉरी। अरे ये को सुनो, अरे शायद ये परछाई इसी की होगी। और कोई आया था इस मैडम के अलावा? नहीं सर, और कोई आया नहीं था उस रात को। ठीक है सर, मैंने कहा था ना आप लोग से मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग खामखा पहले दिन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। तुम्हारे पीछे नहीं पड़े तो क्या करें? हाँ, ये नकली दवाइयों का काला धंधा तुम्हारी देखरेख में हो रहा है यहाँ पे। सर मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरा काम है सिर्फ फार्मा कंपनीज को कॉन्टेक्ट करना ताकि वो आके अपनी पुरानी दवाइयों को लेकर जाए। इनफैक्ट मैं तो रेगुलरली ऑफिस भी नहीं आता हूँ। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे इस गोडाउन पे नजर कौन रखता है? तुम कोई एम्प्लॉय तो होगा यहाँ पे? हाँ सर, प्रतीश, वो यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर। प्रतीश? उस दिन डेटिंग वाले इवेंट में प्रतीश से भी तो बात हुई थी, प्रतीश था ना वहां पे? हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रतीश ने मालिनी को देख लिया वो चाबी चुराते हुए और उसका पीछा किया? इस प्रतीश से मिलते हैं। ये टूटा हुआ मोबाइल, कैमरा और पर्स मिला। सर चलो वहां से भाग रहा है। प्रतीश, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सीआईडी को सब कुछ पता चल गया है। सर गलती होगी मुझसे, मालिनी सीबीटी हॉस्पिटल में काम करती थी, दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया तो कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई। उसके बाद उसने कमर कस ली कि वो ये जान के रहेगी कि दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही और इसके पीछे कौन। मालिनी को शक हो चुका था तुम पे और तुम्हारी कंपनी पे, इसीलिए जासूसी करने के इरादे से वो वहां स्पीड डेटिंग इवेंट में पहुंची जहां पे तुम और एक गौरव जा रहे थे। हा? जी सर, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था सर, मैं लाचार था अपने एक जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मैंने दूसरा जुर्म किया, मार दिया मालिनी को, मैंने मार दिया उसे। Thank you.
लेकिन तुमने उसका मोबाइल और पर्स क्यों चुराया? ताकि सर आप लोगों को लगे कि लूटपाट के चक्कर में चोरी हुई है। लूटपाट? लेकिन उसकी महंगी घड़ी और डायमंड रिंग निकालना भूल गए तुम। तूने मेरी बीवी की जान ले, आज मैं तुझे सांस मार दूंगा। कौन? मार दूंगा तुझे। इसको सजा कानून देगा, दम घुटेगा इसका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, फांसी के फंदे पे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.